देखो भाई लोग, प्रभास की मच अवेटेड मूवी कल की फाइनली थिएटर में रिलीज हो गई है इतने सारे पोस्टपोन होने के बाद। मूवी का बजट 600 करोड़ बताया जा रहा था जो कि प्रभास की पिछली ही मूवी आदि पुरुष के बजट के बराबर है। तो क्या ये मूवी आदि पुरुष जैसी है या फिर 600 करोड़ का अच्छे से इस्तेमाल किया गया है? और क्या इस बार प्रभास का कमबैक होगा? और क्या ये मूवी बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं? और मूवी है कैसी? इन सभी के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे डिटेल में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और ये 3 घंटे की कल की मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं, ये आपको अंत तक पता चल ही जाएगा। किसी भी मूवी में उसके लीड एक्टर को ज्यादा फोकस करके दिखाया जाता है, मगर कल की मूवी में नाग अश्विन ने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया है। इस मूवी में जितना माहौल प्रभास का कैरेक्टर बनाता है, उतने ही ज्यादा अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर भी बनाते हैं। और भी काफी सारे कैरेक्टर है जो लीड जैसा परफॉर्म कर रहे थे। 3 घंटे की मूवी और मूवी के स्टोरी में दम है और ये मूवी चलेगी भी, मगर ये मूवी देखने से पहले आपको महाभारत के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए, तब आपको ये मूवी काफी ज्यादा सिंपल लगेगी देखने में। तो देखो, मूवी की स्टोरी कुछ इस तरह से है कि प्रभास यानी कि भैरवा का कैरेक्टर जो है वो काशी से बिलोंग करता है और वो एक बाउंटी हंटर होता है जो कि कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी को भी मार सकता है। और वहीं दीपिका पादुकोण जो कि लैब एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रेग्नेंट हुई थी और वो प्रेग्नेंसी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। और वहीं पर अश्वत्थामा जो दीपिका पादुकोण के गर्भ में जो बच्चा है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कली से। इन सभी के बीच अश्वत्थामा उस बच्चे को प्रोटेक्ट कर पाते हैं या नहीं और भैरवा कॉम्प्लेक्स में जा पाता है या नहीं, सिंपल में ये है स्टोरी बिना स्पॉइलर दिए हुए। मगर मैं जितना बता रहा हूँ उससे काफी ज्यादा स्टोरी है मूवी के अंदर, अगर मैं कुछ भी बोलूंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा। इसके ऊपर भी एक डिटेल में बात करेंगे, मगर अभी नहीं, किसी और वीडियो में। मूवी ने प्रूफ कर दिया कि आपका बजट 600 करोड़ है ना, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, ना कि आदि पुरुष जैसा। तुम खुद ही देख लो ना, सेम एक्टर की मूवी, सेम बजट और सेम ही कॉन्सेप्ट, फिर भी कितना ज्यादा डिफरेंट है दोनों मूवी में। मूवी के ऊपर वापस आते हैं तो मूवी काफी ज्यादा अच्छी है और काफी सारे कैमियो भी है। महाभारत का जितने भी सीन दिखाए गए मूवी के अंदर काफी ज्यादा अच्छा है, इतना ज्यादा एक्सपेक्ट करके तो मैंने गया। मगर अमिताभ बच्चन का जो कैरेक्टर है अश्वत्थामा, उसका महाभारत का सीन दिखाया गया था यंगर लुक जो कि डी एजिंग करके बनाया था, उसे और बेहतर किया जा सकता था, पर मूवी में इतनी अच्छी अच्छी बात है कि ये भी तुम भूल जाओगे। जिस तरह से नाग अश्विन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो महाभारत का सीक्वल बना रहे, तो इसे देखकर लग रहा है कि ये महाभारत का सीक्वल है। मूवी में सब कुछ अच्छा है, बस दिशा पटानी को क्यों मूवी में रखा है ये मुझे समझ नहीं आया, उसका उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल भी नहीं था। मूवी में पॉजिटिव बहुत कुछ है, VFX, CGI, डायलॉग, एक्शन सीन काफी ज्यादा जबरदस्त है। और जब जब अश्वत्थामा और भैरवा का एक्शन सीन दिखाया है वो काफी ज्यादा सही लग रहा था, कॉमेडी के नजरिए से भी और एक्शन सीन के नजरिए से भी। ओवरऑल मूवी काफी ज्यादा अच्छी है, जितना मैंने इस मूवी से एक्सपेक्ट किया था ये उससे भी ज्यादा है। और मूवी में जितने भी VFX और CGI शॉट है देखकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था और उसे देखकर ये पता चल रहा था कि 600 करोड़ कहाँ खर्च किए गए हैं और 100% ये मूवी दबा के पैसे छापेगी। और जिस लेवल का ये लोग वर्ल्ड क्रिएट किए है ना, बाप रे बाप, तुम अपना सर पकड़ लोगे और मूवी के अंदर ही तुम बोलोगे कि ये क्या बना दिया है। और मूवी की एंडिंग इसके अगले पार्ट के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड कर देती है। और जिस नोट पे ये मूवी खत्म हुआ है ना, अगली मूवी का बजट 1000 करोड़ से कम नहीं हुआ, वो क्यों और कैसे इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे डिटेल में, वो भी स्पॉइलर के साथ। तो बस आज के लिए इतना ही, तुम्हें मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और हाँ सब्सक्राइब कर लो कल के लिए।